एक और बेटी चढ़ी दहेज की भेंट। हत्या के 6 आरोपियों को मुलमुला पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों पर दहेज की मांग को लेकर दिया घटना को अंजाम। बता दें कि आसिम उम्र 20 वर्ष निवासी पौना वार्ड नंबर 9। इनके द्वारा थाना मुलमुला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी भाभी पूनम लहरे उम्र 24 वर्ष, जिसकी दिमागी हालात ठीक नहीं है, की वजह से घर के पर्ची से लगे कमरे में अपनी साड़ी का फांसी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिस पर मुलमुला थाने में मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया। मामला नवविवाहिता होने से मर्ग जांच पंचनामा कार्यवाही कार्यपालिका दंडाधिकारी से कराया। मर्ग जांच के दौरान मृतका के परिजनों के कथन, घटनास्थल निरीक्षण, परिस्थिति जन्य साक्ष्य एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतका की गला दबाकर हत्या करना पाया गया, जिस पर आरोपियों द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने संबंधी रिपोर्ट दर्ज कराने पर धारा 302, 304 बी, 201, 34 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान मृतका को उसके पति आशीष लहरे, देवर आसिम लहरे, ससुर धनंजय पाप लहरे, सास पूर्णिमा लहरे, दादी सास शांताबाई लहरे, सुनीता लहरे के द्वारा मृतका से गाड़ी, रुपया, पैसा और जेवर रुपयों की मांग करते हुए मारपीट कर प्रताड़ित करते हुए हत्या करके साक्ष्य को छुपाते हुए फांसी की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराया पाया जाने पर घटना को अंजाम देने वाले आरोपी आशीष लहरे उम्र 24 वर्ष, आसिम लहरे उर्फ प्रिंस उम्र 22 वर्ष, धनंजय लहरे उम्र 45 वर्ष, श्रीमती पूर्णिमा लहरे उम्र 40 वर्ष, शांताबाई लहरे उम्र 61 वर्ष, सुनीता लहरे उम्र 40 वर्ष, सभी ग्राम पौना थाना मुलमुला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। छत्तीसगढ़ स्टेट ब्यूरो, अजय यादव की खास रिपोर्ट।